ये तो आप भी मानेंगे ना कि ये साल 2022 सिनेमा पर एक्ट्रेसेस का जलवा ही जलवा रहा है। साल के 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में बहुत सी फिल्में आकर जा चुकी हैं। अब चाहे बात करें बच्चन पांडे की या भूल भुलैया 2 की, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जिसने दिल जीत लिया। बाय गॉड, गेस तो करें मैं किन फिल्मों की बात कर रही हूँ। ये फिल्में थी फीमेल सेंट्रिक, चाहे विद्या बालन की जलसा हो या फिर आलिया भट्ट की गंगूबाई काठियावाड़ी। क्यों, सही कह रही हूँ ना? फीमेल ड्रिवन इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से एक्ट्रेसेस ने दर्शकों का दिल भी जीत लिया। तो बस अब देर किस बात की, आइए ऐसे ही कुछ फिल्मों पर नजर डालते हैं जिनमें एक्ट्रेसेस का जमकर बोलबाला देखने को मिला है। शुरुआत करते हैं जलसा में विद्या बालन से। सुपर टैलेंटेड विद्या बालन ने जलसा में एक जर्नलिस्ट और एक डोटिंग मॉम का रोल निभाया है। दोनों ही रोल्स जितने अलग हैं उतने ही मुश्किल, क्यों है ना? एक तरफ पत्रकार, भैया हमसे पूछो, आसान नहीं है ये जॉब, और दूसरी तरफ माँ, क्या एक्टिंग की है विद्या ने, छा गई वो। उनके इस रोल में परफॉर्मेंस ने दर्शकों को पूरी फिल्म के दौरान अपनी सीटों से बांधे रखा और हमेशा की तरह इस बार भी विद्या पर्दे पर जबरदस्त रही। नेक्स्ट है जलसा में शिफाली शाह, एक ऐसी एक्ट्रेस जो कभी भी स्क्रीन पर अपनी शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करने से नहीं चूकी। इस फिल्म में भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के लिए खूब तारीफ बटोरी। जलसा में शिफाली एक हाउस हेल्प के रोल में नजर आई जिसे उन्होंने बखूबी दर्शाया है। इस फिल्म में शिफाली और विद्या बालन की केमिस्ट्री की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब आते हैं गंगू पर, यानी आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया की परफॉर्मेंस क्या कमाल रही। गंगू से गंगूबाई का सफर क्या खूब निभाया आलिया ने, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक्ट्रेस ने इस फिल्म को करते वक्त अपनी जी जान लगा दी और इसका प्रूफ फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। अगली फिल्म है दुपट्टा मेरा, याद आया? अरे मैं बात कर रही हूँ फेम गेम में माधुरी दीक्षित की। सस्पेंस सीरीज द फेम गेम के साथ धमाकेदार कमबैक करते हुए माधुरी ने एक बार फिर बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मतलब छा गई भैया, क्या ठुमके लगाए उन्होंने दुपट्टा मेरा सॉन्ग में। और रही बात एक्ट्रेस की एक्टिंग की, तो वो तो लाजवाब है ही, कोई डाउट की बात ही नहीं है बॉस। अब चलते हैं उस फिल्म की ओर जो लंबे वक्त तक सुर्खियों में बनी रही, कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म में पल्लवी जोशी का रोल जितना कंट्रोवर्शियल था, बाप रे, उसके बावजूद भी पल्लवी ने कमाल कर दिया, मतलब अमेजिंग। उनको इस रोल के लिए बहुत सराहना मिली, मिलनी भी चाहिए थी। क्या कैरेक्टर पकड़ा उन्होंने, मतलब जी जबरदस्त, और दर्शाया भी शानदार तरीके से, मैं तो उनकी फैन हो गई। अब ये बताइए लिस्ट देखने के बाद आप क्या कहेंगे। अब तो साफ है कि ये मेल और फीमेल डोमिनेटेड फिल्म्स के बीच लगातार चल रहा डिस्कशन और कैंपेन वगैरह खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि फीमेल स्क्रीन पर कंटेंट और अपने दमदार परफॉर्मेंस से सभी को पीछे छोड़ती नजर आ रही हैं।